नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में नवे कन्वोकेशन सेरेमनी में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि न्यायाधीश संजय कुमार गौड़, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सीनियर डिवीजन बलिया व वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने अभिभावकों के साथ मां सरस्वती का पूजन व उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि इतने कम समय में विद्यालय के बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें IIT में चयन, JEE में चयन, जिले के टावर में स्थान, AMU में चयन, वहीं CHS में चयन, आजमगढ़ महोत्सव में विजेता, हिंदुस्तान ओलंपियाड में टॉपर आदि उल्लेखनीय है। इसके साथ ही नए सत्र में बच्चों को उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को विस्तार से बताते हुए कहा कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है, जो वी आर द बेस्ट बेटर देन द नेक्स्ट के स्लोगन के साथ कार्य कर रही है। तत्पश्चात सभी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रॉफी और उपहार प्रदान किया गया, जिसमें कक्षा प्रथम में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान उसैद जावेद खान, आभास प्रजापति, आराध्या बर्नवाल, तजा खान, कक्षा द्वितीय में नासरा सवान, प्रणव श्रीवास्तव, अनुश्री सिंह, कक्षा तीन में नूरसिजा खान, उमर खान, त्रिषा प्रकाश, कक्षा चार में तनिष्का वर्मा, महत जावेद, सृष्टि यादव, कक्षा पांच में जानवी प्रकाश, कशिश वर्मा, अनंत सिंह, कक्षा छह में आदित्य सिंह, इल्मा फैजान, अनय गौड़, कक्षा सात में सोनू चौहान, शिवम प्रजापति, आदित्य चौहान, कक्षा आठ में सुहास प्रजापति, तमीम अहमद, आदर्श यादव, कक्षा नौ में अंशिका सिंह, सुजल यादव, अनन्या यादव और कक्षा ग्यारह में आयशा खान, ओम प्रकाश, प्रियांशु यादव रहे। इसके साथ ही दसवीं रैंक तक के बच्चों को सांत्वना प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। बच्चों में विभिन्न प्रकार के प्रतिभागों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट स्किल, बेस्ट यूनिफॉर्म, बेस्ट स्पीकर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डिसिप्लिन, बेस्ट डाइट, बेस्ट डांसर, सप्रसत उपस्थिति, बेस्ट आर्टिस्ट, स्किल्ड पेरेंट्स, मिस वेदांता प्राइमरी, जूनियर और सीनियर स्तर, गो एज यू लाइक, बेस्ट एक्टिविटी अवार्ड, बेस्ट एंकर के साथ ही टीचर को बेस्ट टीचर अवार्ड, जेम्स ऑफ वेदांता अवार्ड, रिटेंशन अवार्ड, सांत्वना अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान में अभिभूत बहुत से अभिभावकों ने एक स्वर में विद्यालय की तारीफ की। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि न्यायाधीश संजय कुमार गौड़ ने अपने संबोधन में बच्चों को कड़ी मेहनत व मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी। श्री गोविंद सिंह प्रबंध निदेशक ने मुख्य अतिथि को वंग वस्त्रम व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करते हुए उनके साथ ही सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन दामिनी सिंह व सुनील तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रभाकर सिंह, AK शुक्ला, एजाज अहमद, नीलम चौहान, अनिता सिंह आदि का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में अभिभावकों के साथ सभी शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। मैं अपना फोन रख दिया घर पे, मोबाइल फोन, तब तो खैर इतना मल्टीमीडिया भी नहीं था, मैं मोबाइल में इंगेज ना रहूं, 3 मिनट की तब्बा सुखार करती थी, कभी जाकर घर पे हाथ जान नहीं देता था, लेकिन कभी मोबाइल नहीं। और मैं अपने 2 साल त्याग किया मोबाइल को, मैं आप लोगों के बीच में एक डिजिटल अफसर बन के खड़ा हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों से, बच्चा मोबाइल पे गाने सुन लो कभी कभी, कोई बुरी बात नहीं है, मोबाइल पे चीजें देख लो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हर वक्त मोबाइल पे मत लगे रहो, पुस्तकों की ओर पढ़ो। इसीलिए आज एक अवार्ड और दिया गया, बेस्ट लेखन अवार्ड, बेस्ट राइटिंग कैटेगरी। और राइटर वही हो सकता है जो मोबाइल से दूर रहे, मोबाइल पे टाइप तो कोई भी कर देगा, लेकिन राइटिंग जब तक आपने अपनी स्किल नहीं बनाई, क्योंकि जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे, यू हैव नो स्किल, यू हैव नॉट सेलेक्टेड, यू विल नॉट बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए, और किस चीज की, राइटिंग की। ओरेटर भी आए, स्पीकर भी आए, डांसर भी आए, लेकिन मैं कहता हूँ मोबाइल से थोड़ी थोड़ी कुछ धीरे धीरे करके बनाइएगा। और मैं समझता हूँ कि अगली बार इस अवार्ड को भी ये डालेंगे, बेस्ट डायल के साथ साथ डालेंगे कि वो कौन सा बच्चा है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से और ये मोबाइल से दूर रहा। पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपने बच्चों को इतना स्वस्थ रखा कि उनकी अटेंडेंस 100% रही स्कूल में। टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट चलेगा, इनको 100% आना है कि नौकरी इनका जिम्मेदारी है, बट वो बच्चा 100% किया, उसके माता पिता ने उसकी डाइट पर कितना ध्यान रखा होगा, और माता पिता